सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो स्क्वायर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई फ्रेश टेक वीडियो में, और यहाँ पे हम करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन पीसी का बिल्ड। अब भाई जैसे कि मैंने अपने लास्ट पीसी बिल्ड किया तो जो मेरा सबसे पहला पीसी बिल्ड भी था, अब उसमें मैंने भाई बताया सबसे चीपेस्ट सीपीयू जिसमें आप खेल सकते हो पबजी और इन फ्यूचर आप भाई उसे स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। तो भाई आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा पीसी बिल्ड जिसको लेने के बाद भैया आपके आ जाएंगे मजे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा आपके आ जाएंगे मजे, क्योंकि भैया इस पीसी के साथ आप भाई इन फ्यूचर अपग्रेड कर सकते हो। ये पीसी वैसे अपग्रेड करने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब ये एक स्टैंडर्ड पीसी बिल्ड है। आप इस वीडियो को देखो यार लास्ट तक, तभी आपको पता रहेगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और साथ ही साथ भैया अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले इसे सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। Reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यार मदरबोर्ड की तरफ से। तो मदरबोर्ड में भाई हम लेने वाले हैं Asus का B250F स्ट्रीक गेमिंग। अब भाई आप में से काफी लोग बोलेंगे भाई ये वाला जो आपने मदरबोर्ड लिया है ये क्यों लिया है। तो यहाँ पे भाई दो रीजन है इसके, दो नहीं कई रीजन है मैं साफ भाषा में कहूँ तो। ये पहली चीज है RGB, देन इसके अंदर ये सपोर्ट करने वाला है i7 7th generation। उसके बाद भाई इसके अंदर आप रैम डाल सकते हो DDR4 की 64GB तक। इसमें आप दो ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, इसमें से आप हेल्प कर सकते हो, मतलब आप इसमें 3D प्रिंटर को भी जोड़ सकते हो। तो भाई ये चीज कम नहीं होती है इस मदरबोर्ड में, मतलब काफी कुछ दे रहा है। ऊपर से एक तो RGB है ही, मतलब आपकी पूरे केस को चकाचौंध कर ही देगा। उसके ऊपर से दो ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, इसके अंदर 4 RAM लगा सकते हो 64GB तक की। उसके बाद साटा केबल्स आपको मिल जाती है भैया इसमें, 6 साटा स्लॉट मिल जाते हैं। अब भाई ये सब मिल रहा है और वो भी सिर्फ और सिर्फ 13,999 यानी कि साफ तौर पर 14,000 रुपीज में। तो भाई मुझे नहीं लगता है ज्यादा है, इसलिए भाई आज मैंने स्टैंडर्ड पीसी के तौर पर इस मदरबोर्ड को लिया है। खैर अब मैं आगे बढ़ता हूँ भाई प्रोसेसर की तरफ। तो प्रोसेसर में मैं ले रहा हूँ इंटेल का 8th Gen कोर i7 8700K, जो कि आने वाला है 3.7 GHz की स्पीड के साथ, जो कि एक प्रोसेसर है। अब भाई मेन चीज़ यहाँ पर आती है, काफ़ी लोग फिर से पूछेंगे भाई आपने इस बार इसे क्यों लिया। तो भाई मैं बता दूं कि ये पहली चीज़ तो एक 8th Gen का प्रोसेसर है, देन उसके बाद इसमें i7 है, ऊपर से ये देगा 3.7 GHz की स्पीड। और उसके बाद भाई जो गेम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं इसकी स्पीड की, तो यहाँ पे ये जो ओवरक्लॉक कर देगा, ये ओवरक्लॉक कर देगा 4.7 GHz की स्पीड के साथ। तो ये एक अच्छी बात है। इसमें आपको कैच फाइल मिल जाती है 12 MB की, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब जिन लोगों को भाई ओवरक्लॉक और कैच फाइल के बारे में नहीं पता, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, तो फिलहाल उस वीडियो को देख लेना। फिलहाल मैं इसी वीडियो पे रहता हूँ, टॉपिक के ऊपर रहता हूँ। तो इसमें आपको मिल जाएंगे 6 कोर और 12 थ्रेड्स, जो कि भाई बहुत सफिशिएंट है। यानी कि यार ओवरऑल मैं कहूँ तो यार ये प्रोसेसर बहुत ही शानदार है। इसकी जो प्राइस है वो है 36,450 रुपीज। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है भाई ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, क्योंकि भाई अब आपको भाई हर चीज़ तो मिलेगी नहीं ना सस्ते में। क्योंकि भाई जब आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो, मतलब हमने जो कहा था कि आप अल्ट्रा सेटिंग पे 4K भी चला सकते हो, तो भाई उसके लिए इतना बड़ा प्रोसेसर तो लेना पड़ेगा ही। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। अब प्रोसेसर लिए तो उसे ठंडा करने की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें चाहिए भाई एक लिक्विड कूलर, क्योंकि नॉर्मल कूलर मैं यहाँ पे लगा सकता था, फिर मैंने सोचा भाई उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें लिक्विड कूलर ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे भाई मैं लिक्विड कूलर के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ कूलर मास्टर के MLLMW D12M। अब भाई इसका पूरा नाम खुद पढ़ लो, ये एक लिक्विड कूलर है, लेकिन इसके अंदर आपको मिल जाती है RGB, यानी कि भाई RGB लाइट यार जो चकाचौंध करते हैं आपकी पीसी को, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे। तो ये पड़ जाएगा यार आपको 4,699, यानी कि भाई तकरीबन 4,700 रुपये का। तो ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जिस हिसाब से भाई आपके पीसी को ठंडा करने वाला है, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कहाँ से भाई गर्म जो लिक्विड है वो जाएगा, फिर उसके बाद वो ठंडा होके आएगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेसर चलता रहेगा, जो जिसकी वजह से आपका प्रोसेसर जो है वो कभी भी गर्म नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे देखने वाली बात जो है वो साफ साफ समझ में आती है, 4,700 रुपये आप किस चीज़ के दे रहे हो। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ भैया रैम की तरफ। अब भाई रैम में हम ले चूज़ कर रहे हैं ओरस की RGB मेमोरी DDR4, जो कि भैया है 16GB, जो कि आती है 2x8GB। अब भाई काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई आपने ये 4 मतलब 2 RAM दिख रही है ना देखने में, तो मतलब भाई मैंने कहा कि 2x8GB जो कि बनती है 16GB, और यहाँ पे आपको स्क्रीन में मैंने 4 RAM दिखाई है। अब भी यार ये फोटो ही नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसी ही रैम मिलने वाली है, यानी कि
दो रैम होगी जो डुप्लीकेट होगी, यानी कि जिनके थ्रू आप प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, और जो दो रैम होगी उनके थ्रू आप प्रोसेसिंग कर पाओगे। अब ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली हो जाएगी, है ना, तो इसको मैं थोड़ा सॉर्ट आउट कर दूं भाई। दो है सिर्फ आपके पीसी को एक अच्छा लुक देने के लिए, मतलब जैसे कि आपको पता है ये आरजीबी रैम है, आपके जो मदरबोर्ड है उसके अंदर चार स्लॉट्स हैं, तो आपके मदरबोर्ड को थोड़ा और अच्छा लगे, जैसे कि आप लाइनस टेक टिप या फिर भाई काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो कि काफ़ी सारे बिल्ड क्वालिटी जो मतलब बिल्ड बनाते हैं गेमिंग के बिल्ड्स, उनकी वीडियो देखते हैं उसमें चार आरजीबी लगी होती है, तो उस चीज़ के लिए है, मतलब आपकी जो पीसी है उसको एक अच्छा लुक भी दे देती है और वो भी कम से कम प्राइस में। यानी कि जो आप 32 GB की रैम खरीदते या फिर आप 8-8 GB की चार रैम खरीदते तो वो आपको पड़ जाती है यार तकरीबन भाई 26,000 से शुरुआत होती या 32,000 शुरुआत होती, तो यहाँ पे भाई ये सिर्फ और सिर्फ 18,799 यानी कि 18,800 की है, तो ये रैम भाई ज़्यादा कॉस्ट नहीं कर रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई देखो ना ये आपको मतलब पूरा लुक दे देगी, आपके फ्रेंड्स आएंगे घर पे तो उन्हें आप क्या दिखाओगे, आपके पीसी में सिर्फ दो ही रैम लगी है, दो स्लॉट खाली पड़े हैं, नहीं यार दिखाओ कि सारे स्लॉट भरे हुए हैं, उसमें आपने चार रैम लगा रखी है, उन्हें क्या पता भाई चार दोस्त जो रैम है वो सिर्फ और सिर्फ एक डेब्यू है, मतलब एक मॉडल है सिर्फ जो जिसमें कि लाइट जल रही है सिर्फ लाइट के लिए वो, तो भाई इससे आपकी पीसी की जो लुक अच्छी बन जाती है और साथ ही साथ आपको रैम तो मिल ही जाती है, प्राइस कम है इसकी। खैर आगे बढ़ते हैं हम भाई, आगे बढ़ रहे हैं भाई हम हार्ड डिस्क की तरफ, तो हार्ड डिस्क में भाई मैं ले रहा हूँ जो मैंने बहुत पहले मतलब कल ही ली थी हार्ड डिस्क एक पीसी बिल्ड में, वो थी सीगेट की न्यू 12 कोड़ा, जिसमें भाई आपको मिल जाती है 1 TB की स्पेस, 64 MB की कैच और साटा में आपको मिल जाती है 6 GBPS। अब यहाँ पे भाई ये हार्ड डिस्क बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही सफिशिएंट है, आई बिलीव भाई इसकी जो प्राइस है भाई वो है 3,249 रुपीज़, तो भाई इसकी प्राइस भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, और भाई ये एक हार्ड डिस्क के तौर पे बहुत ही बढ़िया, और ये एक HDD है, मैं पहले क्लियर कर दूँ। उसके बाद भाई हम लगाने वाले हैं एक SSD। अब भाई काफ़ी लोगों को डाउट आएगा कि एक HDD और एक SSD में फ़र्क क्या होता है, तो भाई एक SSD जो होती है वो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जबकि एक HDD वो चीज़ नहीं होती। इन दोनों में भाई मेन फ़र्क क्या है मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि एक SSD हम ले रहे हैं 250 GB की। अब काफ़ी लोग बोलोगे यार आप में से कि भाई 250 GB की सिर्फ, आपने तो SSD 1 TB की ले ली, तो भाई मैं बता दूँ 1 TB की SSD नहीं आती है, और अगर आती भी होगी तो फिलहाल मुझे पता नहीं है और उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है ना, आपको एक SSD चाहिए जो कि 250 GB की, जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मेनली बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई बेसिकली जो गेम हो, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जो SSD होती है वो HDD से बहुत फास्ट होती है, इसलिए लोग मैक्सिमम प्रेफर करते हैं दोनों लगाना। अब भाई आपने कहा था एक स्टैंडर्ड PC बिल्ड बनाना, तो ये एक स्टैंडर्ड PC बिल्ड की रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर एक SSD हो और एक HDD हो, क्योंकि भाई देखो आप प्राइस डिफरेंस भी आप देख सकते हो यहाँ पर, प्राइस डिफरेंस भाई क्योंकि SSD है 5,000 रुपीज़ की, और वहीं पे है जो आप हमारी HDD हमने चूज़ की है वो है 3,249 रुपीज़ की, मतलब प्राइस में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि भाई एक SSD बहुत एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि वो बहुत फास्ट होती है और वो बहुत ही रिलायबल होती है, मतलब उसमें से कोई डाटा लॉस होने की चिंता होती ही नहीं है। खैर अब मैं बात कर लेता हूँ ग्राफिक्स कार्ड की, ग्राफिक्स कार्ड में भाई हम चूज़ करने वाले हैं ASUS G4GTX 1050 Ti, जो कि है 4GB DDR5 रैम के साथ। अब भाई यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक चीज़ बहुत ही गौर करने वाली है कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने आपको दो चॉइसेस दी थी, मैंने कहा भाई वो ले लो या फिर ये ले लो, अब भाई प्राइस इसका है 16,899 यानी कि 16,900। तो अब भाई यही चीज़ जो ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ना, ये आपके आजकल के आने वाले हर एक गेम को अल्ट्रा सेटिंग्स पे चला सकता है, यानी कि 4K भी चला सकता है, और जब आप स्ट्रीम करते हो तो भाई ये आपको स्ट्रीम करने में भी हेल्प करता है, यानी कि ये एक बीस्ट जो मतलब कह सकता हूँ मैं सीधे बीस्ट ग्राफिक कार्ड है, जिसमें आपको दो फैन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे दो फैन मिल रहे हैं भाई, इसका साफ साफ मतलब है कि जो ये इसकी पावर होगी भाई वो कभी मतलब ये लोड पे भी बहुत ही स्लो स्पीड पे चलने वाला है, क्योंकि दो फैन है इतना गर्म होने नहीं वाला, तो भाई दो फैन का फायदा तो होता ही है ना, तो भाई यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है। तो भाई हमने ग्राफिक्स कार्ड भी ले लिया, अब हम शुरुआत से एक बार देख लेते हैं फटाफट, हमने मदरबोर्ड ले लिया, प्रोसेसर ले लिया, उसका कूलर ले लिया, देन भाई हमने रैम ले ली, HDD ले ली, SSD ले ली और ग्राफिक्स कार्ड भी ले लिया। अब रह क्या गया, अब रह गया भैया SMPS यानी कि पावर सप्लाइंग यूनिट, तो वो हम लेने वाले हैं भैया कॉर्सर की
VS550 जिसकी मतलब जो सप्लाई करने वाला है 550 वाट्स को। अब देखा जाए भाई, हमने जो जो सामान लगाया है सब में भाई इतनी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी हमने ये इसलिए लिया क्योंकि भाई कुछ चीज़ें होती है, कुछ टाइम ऐसे आते हैं भाई पीसी के मामले में जहाँ पे आपके पीसी को रिक्वायरमेंट होती है भाई और लगाओ और लगाओ और लगाओ, तो उसमें ही भाई ये चीज़ हेल्प करेगा। खैर अब भाई हमने ये सब सामान ले लिया, ऐसे रखेंगे का, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक कैबिनेट। कैबिनेट हम ले रहे हैं भैया कूलर मास्टर का मास्टर बॉक्स लाइट 5 RGB। अब भाई यहाँ पे आपको मिल जाएंगे भैया 3 फैंस, यानी कि भाई आप इस जो केस है इसके अंदर ऑलरेडी 3 फैंस लगे आएंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो सेम ऐसा ही पीसी मिलने आपको कैबिनेट मिलने वाला है जिसके अंदर 3 फैन लगेंगे। मैं फिर से हकला रहा हूँ, लिटरली हकला रहा हूँ। अब भाई यही क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं भाई, इसकी जो प्राइस होने वाली है वो है 6,300 रुपीज़, तो भाई उस हिसाब से ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो पहाड़ के जो पहले के 3 फैंस हैं वो 8 GB मिल जाते हैं, ऊपर से आपने आप एक और पीसी के अंदर लगा रखा है, 2 फैंस आपको ASUS के अंदर मिल जाते हैं, तो भैया पूरा पीसी बिल्ड तकरीबन भैया 6 फैन से बढ़ जाएगा। एक प्रोसेसर को ठंडा करेगा, एक ग्राफिक्स कार्ड को, और भाई ये आने वाले 3 जो फैन है आगे की तरफ वाले ये भाई ठंडा करने वाले हैं आपके बाकी कंपोनेंट्स को। तो बस हो गया हमारा पीसी बिल्ड तैयार। अब भाई मैंने इसकी पूरी टोटल कॉस्ट जो है वो देखी नहीं है, तो चलिए मैं पॉज करता हूँ वीडियो को और पहले टोटल कॉस्ट देख के आता हूँ। तो यार आपका पूरा पीसी बिल्ड बन जाता है 1,08,000 का। अब मुझे पता है यार अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन भाई अगर आपको चीज़ चलानी है, अगर आपको फ्यूचर तक के लिए इसे खरीदना है या फिर एक टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको इतना पे करना ही पड़ेगा, वरना तो यार आप कोई भी चीज़ लो कभी भी लो आपको फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। लेकिन मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ यार आपको, आप मेरे को बताओ यार नीचे कमेंट्स में कि आपको कितने तक का पीसी बिल देखना है। अब मैं उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ एक पीसी ला के दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए यार आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करो यार, और सारे सारे यार ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब कर दो, और उसके साइड में जो घंटा आ रहा है यानी कि जो बेल आइकन आ रहा है ना उस पर प्रेस कर दो। तो बस मेरे हिसाब से भाई इतना सफिशिएंट है, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो यार, ताकि उन्हें भी पता लगे भाई कैसे कैसे पीसी बिल्ड बनाए जा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना यार कि भाई इतने कम में काम चल जाएगा, इतने कम में काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, पहले आपको बजट बनाना पड़ता है और उसके बाद आपका पीसी बनता है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल बनाता हूँ पहले पीसी, उसके बाद देखता हूँ बजट कितना आया है। लेकिन भाई अगर आपको बजट पहले दिखाना है तो मुझे नीचे फटाफट कमेंट कर दो कितना बजट तक आपको पीसी देखना है, मैं उस हिसाब से स्पेसिफिकेशन ढूंढ ढाड़ के कहीं ना कहीं से लेके आऊंगा आपके सामने बेस्ट पीसी। तो यार बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बी काइंड टू अनदर, और साथ साथ बाय।